किला जो आप घूमने के लिए आएंगे ना, एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट कहा जाता है, एशिया का लार्जेस्ट फोर्ट, गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ वाजी सब बनैया है, झरना जरे गोमुख बरे, झरना जरे गोमुख बरे निर्भय नाम का तो, करोड़ों करोड़ों तपस्या करे फिर पावे गढ़ में गढ़ चित्तौड़। राजाओं ने कितनी तपस्या की थी उसके बाद में उनको चित्तौड़गढ़ हासिल हुआ था। अभी जो आप लोग खड़े हैं 500 फीट हाइट के ऊपर में खड़े हुए हैं, 500 फीट हाइट है उसका, और समुन्द्र लेवल है 1850 फीट। पूरा 13 किलोमीटर का किला बना हुआ है, 700 एकड़ में फैला हुआ है। इस किले के ऊपर में 113 मंदिर है, 84 वाटर टैंक, 84 पानी के तालाब बने हुए पूरे फोर्ट के ऊपर में, और ये किला पूरा रेल मछली के आकार पे बना हुआ है। अगर इसको हेलीकॉप्टर से प्लेन से देखेंगे तो पूरा रेल मछली के आकार पे किला बना हुआ है। बनवीर ने किले का 2 कोटेशन किया था, एक में तो आबादी है 5000 पॉपुलेशन, हम लोग 5000 आबादी है सर, जो अलग फोर्ट के कोने में रहता है, इसी टाइम से रहते हुए आ रहा है सर, पीढ़ी से पीढ़ी हमारा चल रहा है। बड़े सर, ये सामने जो आप लोग टावर देख रहे हैं इसको नाम दिया है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ नाम इसलिए पड़ता है कि विजय की प्राप्ति बनाया था महाराणा कुंभा मालवा और गुजरात दो डिस्ट्रिक्ट को हराया था, उसकी याद में ये टावर बनाया गया था। 9 मंजिल का बना हुआ है, 157 सीढ़ी लगा हुआ है इसके अंदर में। कौन से साल में उस जमाने में इसको बनने में 10 साल लगा था और 90 लाख रुपए का इसके अंदर में खर्चा है उस जमाने के अंदर। इसको गौर से देखेंगे तो पूरा डमरू के आकार से दिखाई देता है, ऊपर से चौड़ा है, बीच के अंदर सकड़ा है, नीचे से चौड़ा है। ये पूरा शिवजी की डमरू के आकार पे बनाया गया है, इसके अंदर और बाहर सारे देवी देवताओं की मूर्ति आपको देखने को मिलती है। मगर अभी क्या है सर, साल भर से इसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, इसलिए बंद किया है कि इसके अंदर ऊपर से सुसाइड वगैरह का मामला आ रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया। तो पहले एंट्री था, पहले एंट्री था, कितने साल से बंद कर दिया सर? साल भर से। ये सामने जितना भी बड़ा गार्डन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सारा बड़ा गार्डन, इसे कहते हैं जौहर कुंभ सर, जौहर स्थल कहा जाता है। पूरा डिजाइन में वो सामने जो गेट आपको दिखाई दे रहा है उस गेट को कहा जाता है सती गेट। जब रानी पद्मावती ने जौहर किया था तो उसी गेट से आई थी और यह अग्नि के अंदर में कूद गई। ये बहुत बड़ा एक गड्ढा था सर, ये जौहर कुंभ कहलाता था। अभी क्या गवर्नमेंट ने इसको बगीचा बना दिया, गार्डन बना दिया सर। वो सामने बोर्ड के ऊपर में लिखा दिया जौहर स्थल, और एक छोटा सा कुंड बना दिया है जो साल में एक ही बार में जौहर मेला आता है, जो राजपूत घराने के लोग होते हैं पूजा पाठ करते हैं और वापस अपने चले जाते हैं। ये सबसे बड़ा जौहर कुंड है। ये सामने जो मंदिर आप देख रहे हैं ये शिवजी का मंदिर है, 1428 के अंदर में, 1428 के अंदर में महाराणा मुकुल ने इसका निर्माण कराया था। इसके अंदर में 9 गज का पत्थर का मूर्ति ऐसा बना हुआ है, उसके ऊपर में कारीगरी से 3 मूर्ति बनाया है, वर्मा विष्णु महेश, एक हंसता एक रोता एक मुस्कुराता, था 3 मूर्ति आपको दर्शन करने के मिलता है। और आजू बाजू जितना भी आप लोग छोटे बड़े मंदिर देखेंगे, मैंने बताया था किले के ऊपर में 113 मंदिर है, छोटे बड़े बड़े छोटे सारे आ गए उसके अंदर में, 84 वाटर टैंक पानी के लिए। ये जितना भी आप लोग बाउंड्री वॉल देख रहे हैं ये पूरा 700 एकड़ में बाउंड्री वॉल बना हुआ है सर, पूरे फोर्ट के ऊपर में, इसलिए इसको कहा जाता है 13 किलोमीटर का। ये जितना भी आकृति आप देखते हैं अंदर और बाहर सर, अंदर की मूर्तियाँ तो अच्छी है, बाहर की मूर्तियाँ डैमेज है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 के अंदर में रानी पद्मावती को पाने के लिए इस किले के ऊपर में अटैक किया था, तो हर मूर्ति हर पैलेस को उसने नष्ट किया था। रानी पद्मावती इतनी खूबसूरत थी कि मुंह से पानी पीती थी, गले के अंदर दिखता था, पूरी कांच की माफी बनी हुई थी सर, इतनी सुंदरता थी उसके अंदर में, इसीलिए इस किले के ऊपर में युद्ध हुआ था सर। आइए सर, मैं आपको मंदिर सर समझा, आपको पूरा डिटेल में।